Assalamualaikum from Albania. आज रात हम लोग अल्बानिया में रुक गए थे तिराना तकरीबन 100 किलोमीटर पहले, तो रात काफ़ी हो गई थी तो मैं वहाँ रुक गया क्योंकि जो यहाँ के ड्राइवर थे वो खासे बदतमीज़ों की तरह गाड़ी चला रहे थे। ऐसा आती थोड़ी देर बाद होटल आया, वहाँ मैं रुक गया हूँ, जिसके मैंने दिए थे 50 यूरो पर नाइट, तो कि ठीक था। आज का इरादा ये है कि इंशाल्लाह ताला हम लोग जाएंगे बॉर्डर की तरफ, अल्बानिया ग्रीस का बॉर्डर आएगा, फिर ग्रीस में काफ़ी देर सफ़र करेंगे और फिर हम जो साउथ में बॉर्डर है तुर्की का, वहाँ से हम लोग एंटर होंगे इंशाल्लाह ताला तुर्की। सफ़र है 1100 किलोमीटर, हमने दूर जाना है। इस तरह की रोड 1100 किलोमीटर हो तो अच्छा खासा मुश्किल हो जाता है। अभी हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम यहाँ से ग्रीस जाएँ और ग्रीस से हम लोग चले जाएँ तुर्की, दूसरा रास्ता यहाँ से कोसोवो नॉर्थ मैसिडोनिया और उसके बाद बल्गारिया, बल्गारिया से ग्रीस। उसमें मुझे हमें काफ़ी सारे वो पड़ जाएंगे, बॉर्डर्स आ जाएंगे, बॉर्डर क्रॉसिंग का आपको पता टाइम लगता है, उस लिहाज से मैं सोच रहा हूँ कि ग्रीस वाले रास्ते जाए थे। हम लोग अभी अल्बानिया की मोटरवे पे चढ़ के मोटरवे से मतलब ट्रेवल कर रहे थे। अच्छा, पुराने सफ़र मैंने एक और चीज़ नोट की है, यहाँ के जो लोग हैं ना, इन साथियों की शक्लें एक तरह की हैं और सर पे इनके पास बाल भी थोड़े से कम हैं सरों के, लेकिन मोटे नहीं हैं लोग और छोटे हैं कद में। जब आप ट्रैवल करते हैं तो बेसिकली यही चीज़ें होती हैं, आप देखते हैं लोग किस तरह के हैं, इनके रहाइश का तरीका कैसा है। रहाइश का तरीका इनका तकरीबन पाकिस्तान साइड है, बड़े बड़े घर भी हमारी लेफ्ट साइड भी देख रहे हैं, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे घर, उसमें दो बंदे रह रहे हैं बीच में, और ड्राइविंग का तरीका रफ, सड़कों में खड्डे चले वो तो नॉर्मल सी गलती गई है। और मुसलमान ये लोग टोटल गई हैं, इनके जो बास वगैरह वो यूरोप से मिलता जुलता है। और बंदा था जो जहाँ होटल में रहे, तो मैं तुम्हारा नाम क्या, कहता है मेरा नाम है ल्यूस, अगर तुम मुसलमान हो, कहता हाँ जी मैं मुसलमान। I just made a brief stop on the way and I found some flowers of different colors. I think the guy is a professional and he sells. जनाब हम लोग जा रहे हैं वही ग्रीस के बॉर्डर पे जा रहे हैं अल्बानिया से, और जो रास्ता है वो तकरीबन अगर आप एप्टाबाद जाए ना पिंडी से, मोटरवे से नहीं, जो पुरानी रोड होती थी हवेलियाँ वाले रास्ते से, तो 90% उस तरह का रास्ता ही है, ट्रैफिक भी तकरीबन वही है।
जा रहा था अपनी तरह से बड़े मस्त मॉल में, स्पीड होगी मेरी 70 के आसपास, तो जो लिमिट थी वो थी 40 किलोमीटर, तो लाइन कांस्टेंट लाइन थी साइड पे, इसमें हम ओवरटेक नहीं कर सकते। आगे मैंने लाइन उल्टी क्रॉस की या तो आगे पुलिस वाले मुझे इशारा किया जी आओ जी भाई जान साइड पे, मैं साइड पे चला गया, गाड़ी रोकी है, उसने से पूछा कहाँ से आई हो, मैंने कहा मैं फ्रांस से आ रहा हूँ, तो मतलब बात फ्रेंच बोलता था, तो मैंने उसे कहा कि कहता है आपने यहाँ से क्रॉस किया आपकी स्पीड ज़्यादा थी, मैं कहा मुझे पता मेरी स्पीड ज़्यादा थी, तो कहता है अभी आप चलान याद दोगे या पुलिस स्टेशन जाके दोगे, मैं कहा होगा कितना, कहता है 135 यूरो से लेके 200 यूरो तक आपके उस पर डिपेंड करता है, वो देखेंगे। तो अच्छा था, मैंने उसको कहा यार मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, अगर तू मेहरबानी करते छोड़ सकता है तो छोड़ दे, कहता है नहीं, फिर मैंने उसको कहा देख मेरा एक पेट्रोल की टंकी फुल हो जाती इतने पैसे में जितना तू कह रहा है, तो खैर कहता है पाकिस्तान से, मैं कहा पाकिस्तान से, कहता है कितने किलोमीटर है, मैं कहा 8000 किलोमीटर, कहता अच्छा, कहता चलो आपको वार्निंग देता हूँ, बच्चे कहते हैं आपके पास बच्चे, आपके बच्चे हैं, मैं कहा मेरे बच्चे हैं, मेरे दो बच्चे हैं गाड़ी में बैठे हैं, फिर उसको उसने पता नहीं उसने रैम खा दिया या उसको दर्द आ गया, बहरहाल जो भी है उसने कहता ओके, मैं कहा मैं बड़ी केयर से चलाऊँगा इसके बाद, बच गया हम टीका के लिए, अभी मट्ठे मट्ठे चलते हैं, मुझे बिल्कुल शौक नहीं है कि मैं यहाँ चुना लगवा लूँ। अच्छा जी, हमने अभी यहाँ थोड़ी देर ब्रेक लिए, कोई खाना वगैरह खाना है, साथ मनी एक्सचेंजर भी है वहाँ से, थोड़े से पैसे चेंज करा लेंगे, उसको पैसे देंगे फिर हम आगे चलते हैं। व्हाट इज दिस? पास्ता जी? हमने ऑर्डर दिया, ऑर्डर में हमने दिया है एक कबाब, पता नहीं कबाब में क्या बोल रहा था, एक वेजिटेबल, एक चिप्स दिया ना, चिप्स और एक कोई और चीज़ दिया मुझे नहीं पता, मैं सादा चावल है सर, बाकी यहाँ मगज़ भी मिल रहा है, तो मगज़ तो लगता है बच्चे मेरा बहुत खा चुके हैं, तो बस अभी हमने वो नहीं करना। आप क्या हैं? गुड गर्ल। एंड रायन क्या है? रायन आप क्या हो? गुड बॉय। वेरी गुड, दोनों बहुत अच्छे हैं। अच्छा जनाब, हमने खाना खाया, चार प्लेटें ये थी, उसके बाद हमने दो प्लेटें चावलों की पैक भी कराई हैं, और हमारा बिल बना है 980 प्लस 160, कितने हो गए जी? 980 160, या साथ थोड़ा मेरा भी कमज़ोर है। मैं बहुत खाना बहुत मज़े का था, बहुत मज़े का था, सही है। ओके जी, हमने खाना शाना खा लिया है, पेट भर गया हमारा, और टोटल जो बिल बना है वो 10 यूरो से भी कम का था। अभी जाते हैं, तुम्हारा सफ़र का आगाज़ करते हैं।
अभी हम लोग एक इनका शहर है लेक के किनारे, उससे गुजरे थे तो बड़ी रोड पे जा रहा था, तो मैंने स्पेशल अंदर मैंने शहर के अंदर गाड़ी डाली ताकि मैं इस व्यू को एंजॉय कर सकूँ और आप लोगों को भी एंजॉय करा सकूँ। आप बिल्कुल ठीक बात है, इन लोगों की शक्लें जैसे चाइनीज सारे नहीं होते, उनकी शक्लें एक तरह की हैं, इन लोगों की शक्लें बिल्कुल एक तरह की है। अभी पीछे आगे को पुलिस वाला खड़ा था थोड़ी देर पहले, तो मैंने जब उसके देखा मुझे सेम लगा वही बंदा जो जिसने मुझे रोका था ना 150 किलोमीटर पहले, मुझे लगा वो इधर आ गया। अभी हमें अभी थोड़ा टाइम लग गया इन लोगों की शक्लों में फ़र्क करते हुए। अभी हमें भूख लगी थी रास्ते में, हमने ये खरीदे हैं चेरीज। वैसे अल्बानियंस बड़ी तेज गाड़ी चलाते हैं, अभी 10 मिनट से ये तीन गाड़ियों पीछे मैं बस फॉलो कर रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि जो दूसरी गाड़ी के पीछे जा रही है पुलिस, और उस पुलिस की वजह से आधे वाली गाड़ी वाला जो है वो भी तेज़ नहीं चला रहा है, और हम भी फिर अभी मुताहत हो चुके हैं क्योंकि एक दफ़ा हमें चांस मिल गया और दूसरी दफ़ा चांस पता है इतना लकी नहीं होता कि आपको एक दिन में दूसरा चांस दिए जाए। मेरा असल में जो गूगल मैंने डाउनलोड किए हैं मैप्स वो आज ऑफलाइन चल रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि मेरी सिम यहाँ नहीं चली थी, नई सिम मैंने ली नहीं क्योंकि मैंने यहाँ एक आधा दिन रहना था तो फ़ायदा कोई नहीं था। तो अभी क्योंकि ऑफलाइन है तो उसने मुझे छोटी सी रोड पे चला दी है, लेकिन अच्छी है, मज़े की है। दोनों आसपास इसके सफ़र दरख्त लगे हुए हैं और काफ़ी ग्रीनरी, आसपास साइड पर पहाड़ हैं, पूरी रोड पे भी एक ट्रक नज़र आया और पीछे दूर एक गाड़ी नज़र आ रही है, इसके अलावा कोई ट्रैफिक नहीं है। अभी एक और गाड़ी आई, अच्छा जी ये है आखिरी टाउन अल्बानिया का, अभी हम ग्रीस के अंदर बॉर्डर के पास पहुंचने वाले हैं, और इसका नाम था बिलिशित। तो ये नाम लिखा जी ख़त्म हो गया टाउन बिलिशित। अभी हम लोग पहुंच गए, एग्जिट हो रहे हैं अल्बानिया से, और अल्बानिया का विजिट ठीक था, अच्छा था, स्लो थी ट्रैफिक लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है। तो अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे आगे ग्रीस में, देखते हैं यहाँ से हमारे से ये कौन कौन से कागज़ मांगते हैं।
ऑफ वेस्ट मैसिडोनिया। हम अभी ग्रीस के अंदर अभी भी दाखिल हुए हैं, उनका वेस्ट मैसिडोनिया का जो रीजन है ये वो है। तो यहाँ से अभी हमारा रास्ता है टुवर्ड्स इस्तांबुल। नया मुल्क, नए लोग, नई जगह। जो करेंसी है वो यूरो है, पहले मैं समझ रहा था यहाँ कुछ हो रहा है, लेकिन बाद में मुझे याद आया तो यूरोपियन यूनियन का एक हिस्सा है, तो करेंसी इधर यूरो है। और टुवर्ड्स जाएंगे तुर्की, टुवर्ड्स नहीं बल्कि इंशाल्लाह टू तुर्की जाएंगे। मोटरवे पे हम लोग रवाना हुआ हैं टुवर्ड्स इस्तांबुल। अभी बॉर्डर छोड़े हुए मुझे तकरीबन 5 मिनट हुए हैं अल्बानिया से ग्रीस में एंटर हुए, और उसके एंटर होते साथ ही 2 स्पीड रडार आ चुके हैं। ज़बरदस्त रोड है, गाड़ी भी माशाल्लाह ज़बरदस्त जा रही है, ट्रैफिक भी यहाँ सही लग रही है, ज़्यादा नहीं है। सीनरी यहाँ की बहुत प्यारी है, और मुझे नहीं पता कि GoPro दिखा सकेगा कि नहीं, लेकिन जो आँख की नज़र है ना वो आँख ही होती है बेसिकली, तो आप वो कैमरे में नहीं देख सकेंगे, लेकिन इट्स ब्यूटीफुल, बहुत प्यारी है। बड़े प्लेन थोड़े यूरोप से थोड़े से ना हट के हैं, टिपिकल यूरोपियन स्टाइल में।